अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी टेक ट्यूब। मैं आप दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो लैपटॉप में, तो आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो बगैर आप जो है USB केबल के, ठीक है, तो वायरलेसली आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर जो है एक ऐप सर्च करनी है, FTP वाईफाई सर्वर, जहाँ पर आप सकते हैं पहले नंबर पर ये ऐप आ चुकी है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल हो रही है, यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ये ऐप जो इंस्टॉल हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी मोबाइल की जो मोबाइल डेटा है इसको ओपन करना है, वाईफाई को बंद कर देना है, ठीक है। वाईफाई आपको जो है ऑन नहीं करनी है, आपको मोबाइल डेटा ऑन करनी है। आपका जो है कोई भी MB वगैरह खर्च नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपको जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल डेटा ऑन करना ज़रूरी है। उसके बाद जो मोबाइल हॉटस्पॉट है इसको भी ऑन कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लैपटॉप में आना है और उसके बाद इसको जो है अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर आपको उसका कनेक्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, इसको जो है कनेक्ट कर लेना है। मैंने जो है अपनी जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप से, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आपको उस ऐप को ओपन करना है जो हमने अभी इंस्टॉल की, वाईफाई FTP सर्वर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐप मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर ये परमिशन मांग रही है ऐप, तो इसको यहाँ पर आप सकते हैं ये लास्ट में शो हो रही है, इसको जो है इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है। अब ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है डिस PC पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है हमें जो एड्रेस बार है इसमें ये वाली एड्रेस लिखनी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वर URL। यहाँ पर जैसे ही टाइप है, जैसे ही यहाँ पर शो हो रही है FTP, उसके बाद है ये दो डॉट्स हैं, इसको कालन कहते हैं, ये कालन देने, उसके बाद 192, उसके बाद जो भी एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो रही है यहाँ पर ये चेंज होती है हर टाइम, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त ये एड्रेस से, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप सकते हैं मेरी मोबाइल फ़ोन की यहाँ पर ये जो इंटरनल मेमोरी है यहाँ पर वो शो हो रही है, ठीक है। मेमोरी कार्ड नहीं, जो इंटरनल मेमोरी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जो भी आपकी आप फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ओपन करनी है। इसमें जो है मुझे एक फ़ाइल ये कॉपी करनी है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने लैपटॉप में इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर ये फाइल कॉपी हो रही है, ठीक है, ये फाइल कॉपी हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप में वायरलेसली आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं।